बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। मेरे दोस्तों, ये सच है कि पत्थर शीशा को तोड़ देती है, ये सच है कि पत्थर शीशा को तोड़ देती है, शीशा पत्थर को तोड़ दे, ऐसे शीशे की तलाश करो। दोस्तों, मैं विशाल रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सुपर साथी पर। तो हां दोस्तों, कीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आइए कुछ सीखते हैं, फिर आप फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। चलिए देखिए कुछ सूत्र जो जरूरी है आपको पढ़ने के लिए। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके रोक करके इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए कुछ सूत्र दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है क्या, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और फिर एक बार दोनों को घटा देते हैं। याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। और क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ टू ए बी। साइंस वाला बच्चा को तो ये सवाल है ही होगा, आर्ट्स वाला थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ टू ए बी। तो कभी कभी आप देखिएगा ना, अच्छा को बात बताइए, पांच प्लस तीन और तीन प्लस पांच कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं। ठीक इसी प्रकार से आप कहीं कहीं देखिएगा ये इसे भी लिखा रहेगा, यह बतिया ए स्क्वायर टू ए बी पहले लिख देता है और फिर बी स्क्वायर बाद में लिख देता है, तब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर अगला सूत्र देखिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला में यहां पर क्या होता है माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बतिया के सेम टू सेम यही बात को हम ऐसे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस सब सूत्र थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और क्या, और दिखलाते हैं आपको हम, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और जोड़ बी स्क्वायर। इशारा का सारा सूत्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या बोले, आओ कोई सूत्र इसमें, ए प्लस बी के होल क्यूब, याद होगा तो कर लीजिएगा ये भी, ऐसे ये कोई जरूरी नहीं। ए प्लस बी के होल क्यूब सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस। अच्छे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, जरा इसको हल कीजिए तो। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ टू ए बी, कोई दिक्कत, ये माइनस तो माइनस, इसको लिखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी माइनस अंदर कीजिए, माइनस को अंदर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस टू ए बी। देखिएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचा, फोर ए बी, टू ए बी यहां और टू ए बी यहां, क्या बचा, फोर ए बी। तो आप दिमाग में ये बना सकते हैं इसका सूत्र क्या होता है, फोर ए बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, फोर ए
चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तब ये गुना करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब आप गुना करके बनाइएगा तो सारा का सारा समय खत्म हो जाएगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए दिमाग क्या है, इसको आप मान लीजिए ए 3.75, 3.75 को मान लीजिए ए, इसमें एक प्रकार का और अंक होगा 2.75, इसको मान लीजिए बी। देखिए कितना आसानी से बनता है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब देखिए इसको क्या बोले थे ए, तो इसके जगह पर क्या लिख दिए ए, बीच में गुना तो क्या लिख दिए गुना। इसको क्या माने थे ए, तो ए लिख दिए, माइनस तो माइनस, ये तो टू है गुने, इसको क्या बोले थे 3.75 को क्या बोले थे ए, तो लिख दिए क्या ए। अब आइए इसको 2.75 को क्या माने थे, देखिए तो बी, तो इसके जगह पर लिख दिया क्या बी, यहां पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस थी, कोई दिक्कत। देखिए इसको क्या बोले थे बी, यहां पर क्या गुना तो गुना, इसको क्या बोले थे बी। एक मिनट देखिए ए गुने ए कितना हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको बतलाए थे इसका सूत्र, देखिए तो खोजिए तो इसमें कहां है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र है, ये क्या है ये। तो इसके जगह पर पूरा के बदले में हम लिख सकते हैं क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब देखिए कितना जल्दी ये बनेगा, ए मैंने क्या बोले थे 3.75 माइनस तो माइनस, बी मैंने क्या था 2.75, अब समुच्चय पर क्या है स्क्वायर, 3.75 माइनस 2.75 घटाइएगा तो कितना होगा एक, और एक के स्क्वायर कितना हो गया एक। देखिए आप अगर इसको इस फॉर्मूला से हम बनाते हैं तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाता है। शुरुआत में हम लोग सीखेंगे तेजी से कैसे बनाना है, वो बाद में सीखिए, वो खुद ब खुद हो जाएगा, आप पहले सीखिए। आप पहला स्टेज में है, आप शुरुआत किए पढ़ने के लिए, इसलिए पहले सीखिए। आइए इसको देखते हैं, आइए 0.796 गुने 0.796। देखिए यहां पर हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, चूंकि जब इसको गुना कीजिएगा तो इसी में लटपटाल रह जाइएगा, ये बनेगा नहीं, इसलिए दिमाग लगाना है, कुछ जनरल कंपटीशन में कुछ नया करना है। अब वो गया जमाना कि हमको आंसर लिखना है कॉपी पर, अब हमको तेजी से फटाक से बनाना है, इसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक अपनाएंगे। अब देखिए गुना नहीं करेंगे, अब यहां देखिए इसको कह दीजिए ए, इसको कह दीजिए ए, और एक और कोई अंक है इसमें, हाँ ये, इसको कह दीजिए बी। अब देखिए कहने से क्या फायदा हुआ, ये क्या है ये ए, तो उसके जगह पर क्या लिख दिए ए, ये क्या है इसको क्या बोले थे ए, तो लिख दिए क्या ए, माइनस तो माइनस, इसको क्या बोले हैं बी, गुना तो गुना, इसको क्या बोले हैं बी, दिक्कत होगा तो बोलिए बटा। अब नीचे आइए, इसको क्या बोले थे देखिए ए ए, आ इसको क्या बोले बीच में माइनस तो माइनस, इसको क्या बोले थे बी, देखिएगा ए गुने ए क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी गुने बी बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कुछ सूत्र होता है, आप देखिए यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी।
अब उस सूत्र को यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा, और नीचे में क्या है ए माइनस बी। अब देखिएगा जैसा डब्बा ये वैसा डब्बा ये, कट के खत्म, क्या बच रहा है ए प्लस बी। अब सोचिए तो ए किसको माने थे, 0.796 जोड़, बी किसको माने थे 0.204। अब आप इसको जोड़ लीजिए, अब आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए आता है आपको दशमलव वाला जोड़ आता है जी, देखिए 0.796 और क्या है दशमलव के सामने दशमलव 0.204, देखिए 6 4 10 बाकी रहा एक, 9 1 10 7 2 9 1 10 दशमलव 0.01 क्या आया एक आया, तो इसका दोनों मिला करके कितना आया एक, तो क्या हो गया एक आंसर, कोई दिक्कत। चलिए चलिए देखिए जैसे बोलता है ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक उसी प्रकार से गुना तो होता है लेकिन गुना करने का नहीं, समझा रहा है। देखिए क्योंकि जब आप गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, फंस जाएगा मामला। हम इसको कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं बी, देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको ए कहे तो लिखे ए, अब बीच में गुना, इसको क्या ए जोड़ तब बीच में जोड़, इसको क्या बोले थे बी गुने क्या है बी जोड़, टू तब टू, इसको क्या बोले थे ए गुने, इसको क्या बोले थे बी बट्टा। अभी क्या था ए जोड़ ये क्या था बी। अब आइए इसको देखते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab बटा a प्लस बी। आगे देखिए इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, इसका सूत्र क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बटा a प्लस बी। देखिएगी ऊपर में यहां स्क्वायर का मतलब होता है ऊपर में ऐसा ऐसा दो डिवाइड, स्क्वायर ऊपर में है इसका मतलब होता है ए प्लस बी के जैसा ऊपर में दो डब्बा है और नीचे ए प्लस बी में कई डब्बा है एक डब्बा। नहीं तो ऐसे आप सोचिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स, समझा तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ए प्लस बी और ए प्लस बी और नीचे भी ए प्लस बी क्या, अब ये से ये समाप्त क्या बचा a प्लस बी। अब सोचिए तो a माने क्या होता है 0.2, b माने क्या होता है 0.8, ये दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा एक आएगा आंसर, कोई दिक्कत। मेथड से बनाइए, गुना अगर कर दीजिएगा तो फंस जाइएगा, इसको दिमाग से बनाना है, कैलकुलेशन करना इसको बहुत मुश्किल होता है। रेडी आइए इसको देखते हैं, फिर वही है गुना तो होता है लेकिन गुना करने का नहीं। अब तो क्या करेंगे जी, तो इसको मान लीजिए ए 0.8, उसको मान लीजिए ए 0.8 को क्या मान लीजिए ए, और एक अंक आव है 0.5, इसको मान लीजिए बी। मानने से क्या फायदा होगा अभी देखिए, जब इसको हम कह दिए तो ए गुने ये भी क्या ए गुने ये भी क्या हो गया ए, बीच में माइनस तो माइनस, इसको क्या माने हैं बी
तो बी गुने बी बट्टा, इसको क्या माने थे, ए गुने ये क्या, ए जोड़ तो जोड़, ये क्या है ए गुने, ये क्या है बी जोड़ तो जोड़, इसको क्या माने थे बी गुने, ये क्या है बी। अब देखिए ए गुने क्या हो गया एक क्यूब माइनस ये क्या हो गया बी क्यूब बटा ए गुने ए स्क्वायर जोड़ ये क्या हो गया ए बी प्लस ये क्या हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए एक क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है, एक क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है, क्या होता है देखिए एक क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र आप याद रखिएगा। तो एक क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे जो था उसको हम सेम टू सेम ज्यों के त्यों लिख दिए, जो था वही। अब जैसा डब्बा ये है वैसा ही डब्बा ये, इसलिए दोनों क्या हो गया कट गए। क्या बचा जी a माइनस बी, a मतलब क्या था 0.8 माइनस b मतलब क्या था 0.5, तो आंसर घटा लीजिए 0.3 आंसर। कोई दिक्कत रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा सर यहाँ प्रॉब्लम। चलिए अब ये आपकी बारी है, इसको आप बनाइए, बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर दीजिए, हम बतलाएंगे आपको, बताएंगे सही है कि गलती। देखते हैं इसका उत्तर सबसे पहले कौन बना करके देता है, जो बना करके देगा उसको एक चॉकलेट दे दे, ठीक है। इसको आप बनाइए और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।